सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। करोना की महामारी दे विच पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों हफ्ते बाद पंजाब दे लोकां दे सवालां दे जवाब दित्ते जांदे ने। अते एक बार फिर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अजिहा ही कीता है, पर तुहानू कैप्टन अमरिंदर सिंह दा अद्धे घंटे का भाषण सुन की लोड़ नहीं। असी सरल भाषा दे विच पंजाबी दे विच तुहानू दसदे हां कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो सवालों के जवाब दिते ने उन्हां विच उन्हां ने किहड़ियां पांच वड्डियां गल्लां कहियां ने। सब तो पहली गल, पंजाब दे लोकां वल्लों पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो यह सवाल पूछा जा रहा है कि पंजाब दे विच करोना दे केस पहलां घट गए सन, हुण क्यों वधदे जांदे ने। इस दा जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिता है कि जदों असी करोना शुरू होया सी पंजाब दे विच उदों एक दिन दे विच सिर्फ 700 टैसट ही किया जाता सी, जिस की कपैसिटी वधा के हुण पंजाब दे विच 11,000 कर दिती गई है। भाव एक दिन दे विच पंजाब दे विच 11,000 करोना दे टैसट किए जा रहे हैं। कैप्टन का मानना है कि जेकर असी 700 टैसट करते हैं उस विच गिणती पॉजिटिव घट आउंदी है, उही टैसट जेकर असी 11,000 करते हैं तो सुभाविक जिही गल है कि पॉजिटिव केस भी एक दिन दे विच वध ही आउणगे। सवाल यह भी पूछा गया कि अमृतसर दे विच इन्ने ज़्यादा केस क्यों वधदे जांदे ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसका जवाब भी दिता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के अनुसार अमृतसर दे विच हवाई अड्डा है, उत्थे बहुत सारे मुल्कां तों जो फसे हुए ने बाहर पंजाबी उन्हां नूं लियाउण दे लई फ्लाइटां अमृतसर आउंदियां ने अते उत्थे टैसट हो जांदे ने, इस करके उत्थों दी गिणती लगातार वधदी जांदी है। पठानकोट अते गुरदासपुर दे लोक भी अमृतसर ही आउंदे ने क्योंकि पठानकोट अते गुरदासपुर दे विच टैसटिंग सिस्टम नहीं है, इस करके उह सारी गिणती अमृतसर दे विच ही शामिल कर लई जांदी है। इसे करके अमृतसर ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दा कहना है कि ज़्यादा सख्ती सानूं करनी पै रही है। तीन ज़िलों की गल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की है, पहला अमृतसर, दूजा जलंधर अते तीजा लुधियाना। दूजी वड्डी गल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कही, पूछा जान लगा कि की हुण पंजाब दे विच करोना लगभग खत्म होने वाला है, तो एक वड्डी चेतावनी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब दे लोकां नूं दे दित्ती है। कहिंदे ने कि करोना दे माहिर दसदे ने कि सितंबर दे विच इसका पीक होएगा, भाव करोना सितंबर महीने विच सिखर ते होएगा। इसका मतलब है कि अजे जो केस सामने आ रहे ने वह इन्ने ज़्यादा नहीं, सब तो ज़्यादा केस सितंबर दे विच सामने आउणगे। जुलाई तो लैके सितंबर तक करोना का पूरा जोर होएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के लोगों को सलाह दी है कि ये तुसीं ना समझो कि करोना तो साडा पिछा छुट गया है, अजिहा नहीं है। कैप्टन कहिंदे ने कि सानू बहुत मैसेज आ रहे हैं लोगों के, लोग कहिंदे ने कि शहरां दे विच करोना है, पिंडां दे विच कुछ भी नहीं है, लोग बड़े खुले तरीके नाल तुरे फिरते हैं, कोई भी करोना नहीं हैगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ताड़ना की है उन्हां लोगों को जो समझते हैं कि पंजाब दे विचों करोना खत्म हो चलिया है। कहिंदे ने कि माहिरां ने यह साफ कर दिता है कि करोना सितंबर के महीने सिखर ते पहुँच जाएगा, उस तो बाद ही इस दे ढलन की कोई ना कोई उम्मीद जताई जा रही है। तीजी वड्डी गल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने संबोधन दे विच ए कही है, बहुत सारे लोगों वालों ये सवाल सरकार तो पूछे जा रहे सन कि कॉलेज कदों खोले जाएंगे, इसका जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दे दिता है। वो कहिंदे ने कि UGC दे हाथ भाव केंद्र सरकार दे हाथ ये फैसला है, पंजाब सरकार इसका फैसला नहीं लै सकती है अते केंद्र सरकार भी 1 जुलाई नूं इसका कोई ना कोई फैसला लेगी। 1 जुलाई तो पहला कॉलेज खुलन की कोई भी संभावना नहीं है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों वालों ये पूछा जा रहा है कि कॉलेज कदों खुलनगे, प्रीख्यावां कदों होणगियां, दाखले कदों होणगे, स्कूलों बारे भी सवाल पूछे जाते हैं। पर कॉलेजों नूं लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिता है कि 1 जुलाई तो पहला तो कॉलेज किसी भी हालात में नहीं खुल सकते। 1 जुलाई नूं भी केंद्र सरकार ने कोई ना कोई फैसला ही लेना है कि खुलना है या नहीं, या फिर जो खुलना है तो कदों खुलना है पक्का पता अजे कोई भी नहीं है। चौथी वड्डी गल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने संबोधन दे विच ए कही है कि बजुर्ग जिन्हां दी उम्र पंजाब दे विच 60 साल तो उपर है उन्हां नूं घरां तो बाहर निकलण दी कोई भी लोड़ नहीं है क्योंकि करोना माहिर कहिंदे ने कि जो छोटी उम्र दे बच्चे ने अते वड्डी उम्र दे बजुर्ग ने उन्हां दी जो इम्यूनिटी है बीमारियां दे नाल लड़न दी शक्ति है वह घट हुंदी है, इस करके करोना उन्हां ते ज़्यादा मार करदा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान कर दिता है, किसी ने सवाल
सवाल पूछा सी बुजुर्ग ने तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरे पंजाब दे लई इह ऐलान कर दिता कि 60 साल तो उपर वाले बुजुर्गों नूं घरों बाहर निकलण दी लोड़ नहीं, जेकर उन्हां दे घर विच कोई जवान मैंबर नहीं है तो वह सारे जिलों के डीसियां नूं इह हुक्म दे देणगे कि किसी भी चीज़ की जेकर उन्हां बुजुर्गों नूं लोड़ है तो घर पहुँचाई जाएगी, भाव जो जरूरी वस्तां ने उन्हां दी होम डिलीवरी प्रशासन के वलों बुजुर्गों के लिए की जाएगी। बहुत वड्डा ऐलान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विच वसदे बुजुर्गों के लिए कर दिता है। पंजवीं गल जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने संबोधन दे विच कही है कि पंजाब दे विच हुण फिल्मों की शूटिंग जो कि काफ़ी देर तो बंद पई सी उसकी इजाजत दे दी गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ किया आज कि जेकर कोई पंजाब दे विच फिल्मों की शूटिंग करना चाहता है तो उसनू इजाजत है, वह जी सदके पंजाब दे विच हुण फिल्मों की शूटिंग कर सकता है, पर जो हदायतां ने उन्हां दी पालना इन्हां शूटिंग करन वालियां नूं भी करनी ही पएगी। ये वो पंज वड्डियां गल्लां सन जो तुहाडे लई जाणनियां बहुत जरूरी सन। इस तों इलावा भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत सारियां जरूरी गल्लां कहियां ने, पर ये पंज मुख गल्लां सन जो होर भी कहियां ने, छोटी छोटी गल तुहानूं उह वी दस दिंदे आ। जिवें कि एक वल्लों सवाल पुछया गया व्यक्ति दे वल्लों कि मैं हां पंजाब दा पर रहिंदा दिल्ली दे विच आं, जेकर रब ना करे मैनूं करोना हो जावे तां मैं पंजाब दे हस्पतालां दे विच आ के इलाज करवा सकदा। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहिंदे ने कि हर पंजाबी नूं हक है कि कितें भी वसदा होवे पंजाब विच आ के पंजाब दे हस्पतालां दे विच करोना दा इलाज करवा सकदा है। इस तों इलावा जो नशा छड्डण वाले अमली ने उन्हां नूं दवाइयां अजकल कई ज़िलों के विच नहीं मिल रही, सरकार के खिलाफ रोस कढ रहे ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि जिन्हां ज़िलों के विच दवाइयां वध पईआं ने उन्हां तों शिफ्ट करन दे हुक्म दे दित्ते ने, तां किसी भी ज़िले के विच अमलियां नूं जो नशा पीड़ित ने उन्हां नूं दवाइयां की घाट नहीं होएगी। बहुत सारिया अजिहियां शिकायतां आ रही सन। सो ये सन कैप्टन अमरिंदर सिंह दीआं कुछ वो वड्डियां गल्लां जो तुहाडे लई जाणनियां बहुत जरूरी सन। कैप्टन अमरिंदर सिंह दीआं इन्हां पंज वड्डियां गल्लां बारे तुहाडी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजिर होवांगा। तुसीं देखदे रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।